رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मेरे प्यारे भाई बुजुर्ग दोस्तों और प्यारी बहनों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे आमीन। आप लोगों का होस्ट, आप लोगों के लिए दुआगू भाई फयाज तारगू टीवी की जानिब से एक नई और मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में अल्लाह सुभान व तआला के फजल करम से एक बहुत ही अच्छा मौजू सेहत के हवाले से लेकर आया हूँ। सेहत वाला टोटका, सेहत वाली रेसिपी, एक नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत बेस्ट है वो आपकी औलाद जिनके लिए आप दिन रात परेशान रहते हैं कि जी हमारे बच्चों का कद छोटा है, लंबे नहीं हो पा रहे, किस तरीके हाउ इज़ पॉसिबल डैट कि जो है ना ये दे यानी कि ये जो है ना ये कन्वर्ट हो जाए, किस तरीके से यानी कि छोटे से कद से लंबे कद में किस तरीके से कन्वर्ट होंगे, किस तरीके से हमारे बच्चों की ग्रोथ होगी और लंबे कद में जाएं ताकि अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में जाएं, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत होगी। और वो कोशिश ये है, सबसे पहले तो अपने भाई की अपने बच्चों की सफाई सुथराई का ख्याल रखें कि वो साफ़ सुथरे रहें, रोज़ाना उनको गुस्ल करवाएँ और फिर नमाजों की पाबंदी यानी अभी से उनको नमाजी बनाएं, नमाज की पाबंदी मस्ट है, ठीक है जी। और कुरान को लाजमी सिखाएं, ये जो है ना आपकी आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अच्छा उनका सिखाएं, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, उनकी अच्छी ग्रोथ करें, ठीक है। अभी आते हैं, बात आती है जनाब वाला छोटे से कद में लंबे कद में बच्चों को किस तरीके से कन्वर्ट करें और इस पॉसिबल डैट किस तरीके से मुमकिन है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अल्लाह के फजल करम से ग्रोथ करें अच्छी सेहत के साथ, अच्छे दुबले पर अच्छे फरबा जिस्म के साथ, वो जो है छोटे कद से लंबे कद में किस तरीके से शिफ्ट करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेहतरीन और आसान टोटका शेयर करने वाला हूँ। आसान नुस्खा सेहत के हवाले से बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपने अल्लाह के फजल करम से क्या करना है जी, आप लोगों ने खजूरें अरेंज कर लेनी है। खजूरें कितनी अरेंज करनी है, 5 खजूरें, ज़्यादा नहीं जी, 5 खजूरें आप अल्लाह को 5 खजूरें लेके अल्लाह के फजल करम से रात को सोने से कबल उसी घुटियाँ निकाल के एक गिलास पानी में आपने उनको भिगो देना है। सुबह उठते ही अल्लाह के फजल करम से एक गिलास दूध में उन 5 खजूरों को मिक्स करके जूसर पे ग्राइंड कर लें। जूसर पे ग्राइंड करने के बाद अल्लाह के फजल करम से अपने बच्चे को, जिस बच्चे को आप जो है ना छोटे कद से लंबे कद में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो उन्हीं को अल्लाह के फजल करम से ये दूध पिलाएंगे आप। नीम गर्म दूध जो है, 5 खजूरें जो आपने उसमें ग्राइंड की हुई होंगी उसका मिल्क शेक बनाया होगा, तो लाजमी अल्लाह के फजल करम से अगर वो बच्चे उसको लाइक नहीं करते, बाद बच्चे थोड़े से मतलब है कि कतराते हैं और थोड़ी सी वो डाजिंग करते हैं, माँ को भी परेशान करते हैं बाप को भी, तो उसमें थोड़ी सी इलायची भी बेशक आप जो है ऐड कर सकते हैं। सब इलायची जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी उसकी तबीयत या जायके के मुताबिक, ठीक है, उसमें दें। अगर फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसमें आप थोड़ी सी पता है क्या, आप रूह अफज़ा या जाम मिश्री को भी ऐड कर सकते हैं जायके के लिए, उसके रंग को तब्दील करने के लिए, क्योंकि बच्चे थोड़े से चिड़चिड़ापन होता है, दूध नहीं पीते तो उसका रंग जो है ना थोड़ा सा वो होगा, वाइट होगा, तो उसको जब आप कन्वर्ट कर देंगे थोड़े से पिंक कलर में तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक एनर्जेटिक टॉनिक बनेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। ये बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के है, कोई भी इसका नुकसान नहीं है इंशाल्लाह इंशाल्लाह बफ़ज़्ले अल्लाह सुभान व तआला के विद इन फ्यू डेज़ में और यानी कि अल्लाह के फजल करम से आप इंशाल्लाह आपसे 20 से 25 दिनों में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आप बहुत अच्छे आपको दिखाई देगा कि आपके बच्चों की जो है वो अल्लाह के फजल करम से जो लंबाई है, जो कद है, वो छोटे से कद से लंबे कद में कन्वर्ट होता जा रहा है, उसके कद में आपको बाकायदा नुमाया फ़र्क नज़र आएगा अल्लाह के फजल करम से। तो ये चीज़ें आप इसको कंटिन्यूसली करवाएँ इंशाल्लाह अज़ीज़, नियर फ्यूचर में आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपके बच्चे फरबा जिस्म के साथ लंबे कद में कन्वर्ट होंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ आप खुश होंगे। अल्लाह सुभान व तआला आप लोगों की मुराद पूरी करे, अल्लाह सुभान व तआला हम सबके मसाइल हल करे। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं ज़रूर चैनल को ज़रूर लाइक
जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन इन टाइम आपको तो मिलता रहे। चैनल मेरा ग्रोइंग है, आप लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ूंगा ताकि मैं इनकरेज हूँ और अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ डोरस्टेप पे शेयर करूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।